माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो यस गाइस, वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो क्या रहने वाला है। सो यस, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट है, जब से मैंने स्केचर्स, क्रॉक्स, रेड टैप, इन सारे शूज का हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, सबकी रिक्वेस्ट यही आ रही है कि दी हम लोगों के साथ प्यूमा वुमेन शूज का भी हॉल वीडियो शेयर कीजिए। सो यस, मुझे भी ट्राई आउट करना था ये ब्रांड, एज मेरे पास प्यूमा से रिलेटेड आई थिंक मैंने 2 से 3 साल पहले एक शूज खरीदे थे, उसके बाद 2-3 साल मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं करी है प्यूमा से। तो मुझे लगा कि चलो फटाफट से शॉपिंग कर लेते हैं, और अभी जब अमेजोन पे सेल थी, फ्रीडम सेल, तब मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे मिले थे। इनफैक्ट अभी जब मैंने इनकी प्राइस भी चेक की ना, तो अभी भी इन पे पर्टिकुलर इस ब्रांड पे काफी अच्छा ऑफ है। लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इनकेस अगर इनमें से कोई आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यस, सारे प्रोडक्ट्स को मैं अच्छे से ट्राई ऑन करके पहन के आपको बताऊंगी कि पहनने के बाद उनका पर्टिकुलर लुक कैसा आता है, आर दे लिटरली वर्थ बाइंग और नॉट। मतलब प्यूमा वी ऑल नो किया है, सारे प्रोडक्ट्स आपको 2-2.5-3 हज़ार रुपए के मिलेंगे। सो देखते हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं है, और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो यस, बात करें पहले पैकेजिंग एंड ऑल की गाइस, तो ये मिले हैं मुझे कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में, जो नॉर्मली प्यूमा के बॉक्सेस आते हैं वैसे ही रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में। एंड उसके बाद आपको मिलते हैं इस तरह से, यहाँ से ही रैप किए हुए हैं शूज। बेसिकली ना, इन सब में आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, और सो ऐसा नहीं है कि जो कलर मैंने पिक किया है वो आपको नहीं पसंद आया है। सो अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज में जाके देखोगे तो इसमें और भी आई थिंक व्हाइट है, लाइट ब्लू कलर है। सो मैंने ये थोड़ा सा ना हल्का सा लाइट पिंक कलर में पिक किया है। सो दिस इज द शूज, एंड लिटरली मतलब जब मैंने इन बॉक्सेस को हाथ में लिया था ना, जब मेरे पास आए थे, मुझे ऐसा लगा इनमें प्रोडक्ट है या नहीं है, मतलब खाली बॉक्स तो नहीं आ गए, इतना ज्यादा लाइट वेट है। सो सबसे अच्छी बात अच्छे शूज की ये होती है कि वो लाइट वेट होते हैं, उनकी जो ग्रिपिंग पावर है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। सो यस, दिस इज द शूज, ये पिंक कलर में आपको मिलेगा। जो नीचे वाला सोल है ये आपको मिलेगा फुल रबड़ वाला, जो कि ग्रिप बना के रखता है, स्लीपरी नहीं होता है ये पर्टिकुलर जो सोल होता है। एंड इसका ये जो कुशनिंग है ना गाइस, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब बहुत ही सही है। आप जब इसको प्रेस करोगे ना यहाँ से, तो आपको खुद को फील होगा कि ये शूज जैसे जैसे आप चलोगे ना वैसे आपको बाउंस देगा। सो क्वालिटी वाइज काफी अच्छा मुझे ये लगा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा लाइट वेट है जैसे मैंने आपको बताया था। एंड पहनने के बाद कैसा लुक आ रहा है वो तो आप देख ही सक रहे हो। सो ये जो ऊपर का मटेरियल है ये पूरा आपको मैश क्लॉथ में मिलता है, मतलब ये बहुत हार्ड नहीं है, काफी सॉफ्ट मटेरियल है, ब्रीदेबल है, जो कि काफी कंफर्टेबल रहता है। और बाकी आपको लेसअप वाली स्टाइल्स को मिलेगी, सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको टाइट एंड लूज कर सकते हो। सो पर्सनली मुझे इस तरह के लेसअप वाले शूज ज्यादा अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट ये जो शूज है ना, इनको आप अपनी जीन्स वीन्स के साथ तो कैरी कर ही सकते हो, इनफैक्ट आप इन वेस्टर्न कुछ पहन रहे हो या आप वन पीस ड्रेस कोई पहन रहे हो उनके साथ भी आप कैरी करोगे तो काफी ज्यादा प्रिटी लगेंगे। सो यस, बैक साइड में आपको ये वाला लोगो मिल जाता है प्यूमा का, जो कि सिल्वर कलर में है, और साइड में भी आपको इस तरह का एक लोगो मिलेगा। एंड ये वाला आप टेक्सचर देखो कितना सही है इसका, तो ये यहाँ से आपको इस तरह का टेक्सचर मिलेगा, जो कि आई थिंक लेदर में है, और बाकी ये जो आप फैब्रिक देख रहे हो ना ये पूरा मैश मटेरियल में है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ये वाला कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगा, एकदम लाइट पिंक सा है। सो पहनने के बाद बहुत ही सही लुक आ रहा था इसका। सो बात करें इसकी प्राइस की गाइस, तो इसकी एमआरपी अगर मैं आपको बताऊं तो एमआरपी सुनकर तो आप दंग रह जाओगे, ये है 4000 रुपीज का, बट ये मुझे मिला है 1700 समथिंग में अमेजोन पे। सो ऑलमोस्ट 55% का ऑफ आपको इसके साथ मिलेगा। सो यस, दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ शूज। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अगेन सेम बॉक्स में ही आपको मिलेगा, एंड ये मैंने लिया है ब्लैक कलर में, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर के शूज नहीं है। और लिटरली बताऊँ ना, जो व्हाइट और ये जो थोड़े से लाइट कलर वाले शूज होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, और रेनी सीजन में उनको धो के सुखाना बहुत मुश्किल होता है। सो मुझे लगा कि इस बार मैं एक ब्लैक शूज ले लेती हूँ, ताकि रेनी सीजन में भी अगर आप नीचे वॉक वगैरह करने जा रहे हो तो कंफर्टेबली पहन सको, मतलब सोचना नहीं पड़े यार गंदा है या गंदा हो जाएगा। सो ये मैंने लिया है ब्लैक कलर में। सो बेसिकली बताऊँ ना, तो इसका और इसका जो लुक एंड फील है ना एग्जैक्टली सेम है। और आप देखो, मतलब जब मैंने पास आया ना प्रोडक्ट, तब मुझे लगा रही है तो सेम सा ही आ गया, मतलब इसकी जो साइड की डिटेलिंग है, आई थिंक प्यूमा में ऐसा ही होता है, इस साइड में आपको कुछ इस तरह का टेक्सचर मिलेगा जो कि थोड़ा सा हार्ड होगा, और यहाँ पे आपको ये पूरा मैश मिलता है। एंड अगेन साइड में यहाँ पे एक छोटा सा लोगो दिया हुआ है, और इसमें आपको ना कुछ यहाँ पे लाइट पिंक कलर का ही प्यूमा का लोगो है। बाकी नॉर्मल कुशनिंग काफी ज्यादा अच्छी है, लुक एट दिस, आई थिंक मैं आपको फील करवा पाती, बट सॉरी, बहुत सही कुशनिंग है। बैक साइड में भी ये फुल रबर मटेरियल आपको मिलता है, जैसे कलर कॉम्बिनेशन काफी प्रिटी है, लाइट पिंक एंड ब्लैक के साथ है। लुक एट दिस, पहनने के बाद भी बहुत सही लग रहा है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था, काफी लाइट था। एंड इसके ये जो सोल है ना, मतलब मैं अगर आपको उसको निकाल के दिखाऊं ना, सॉरी ये पूरा नहीं निकल रहा है क्या,
निकल गया. सो ये जो सोल है ना, ये आप देखो कितना थिक है. अदरवाइज बाकी और शूज में आप लेने जाओगे ना तो इतना बड़ा सोल नहीं मिलता है. और आप ये देखो कितना सॉफ्ट मटेरियल का ये बना है. सो ये पर्टिकुलर सोल ही आपको अच्छा कंफर्ट देता है. बाकी शूज में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता है, पर्टिकुलर इनका जो सोल है वो अच्छा होना चाहिए. तो ये काफी सही मुझे लगा. उसके बाद जो नेक्स्ट शूज है गाइस वो ये है. मैंने लेसअप वाली स्टाइल में नहीं लिए हैं. मेरे पास आई थिंक ये फर्स्ट ही शूज ऐसा होगा जो इस स्टाइल का है. तो कभी कभी होता है ना, आप मंदिर मंदिर जा रहे हो, आपको लेस वेस नहीं टाई करनी है या आपको हाथ नहीं लगाना है शूज पे, तो ऐसे शूज भी चाहिए जिनको आप फटाफट से डाल लो पैर में और निकल लो. सो ये बहुत सही है. मतलब जिनको आर्च सपोर्ट की जरूरत होती है, जिनके होते हैं ना फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है, उनको आर्च चाहिए होता है थोड़ा सा, तो उनके लिए काफी अच्छा है. आप देखो इसको, देख के ही आपको पता लगेगा कि कितना सही सपोर्ट देगा. सो क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम है. इसके अंदर आई थिंक कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो. मैंने ये लाइट ब्लू कलर में लिया है. लुक एट दिस, बहुत लाइट वेट है गाइस. एंड इसका भी कुशनिंग काफी अच्छी है. मतलब कुशनिंग अगर मैं बोलूँ ना तो तीनों चारों की मुझे बहुत ही अच्छी लगी. पहन के मैंने देख लिया है ऑलरेडी और अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ. देखो आप पहनने के बाद कितना लुक सही आएगा. बट मुझे एक प्रॉब्लम लगी शूज की, कि जिनके पैर बहुत नैरो होते हैं ना, मतलब पतले से पैर होते हैं, उनको आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छे से कम्फर्ट देगा. जिनके पैर बहुत ज्यादा ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं थोड़े, उनके लिए काफी सही है. सो मेरे पैर थोड़े से पतले हैं तो मुझे थोड़ा सा इतना अच्छा ग्रिप नहीं लग रहा है इसका. और एज लेस भी टाइट नहीं कर सकते हो आप तो भी मुझे सही नहीं लगे. बाकी अगर आप अपनी मम्मा के लिए, अपनी आंटी वंटी ताई के लिए अगर गिफ्ट करना चाहो उनकी वॉकिंग वगैरह के लिए, तो काफ़ी कंफर्ट है. लेडीज को जनरली ऐसे ही शूज चाहिए जिनको वो साड़ी सूट के साथ इजीली पहन सके और लेस वगैरह बांधने की जरूरत ना हो. अगर उनको नी प्रॉब्लम है तो वो झुकेंगे कैसे बांधने के लिए. तो ये ऐसे शूज आप बहुत सही रहेंगे गिफ्ट करोगे तो अपनी मम्मा वगैरह के लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि कंफर्ट तो है ही है और बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं है. सिंपल से शूज है ये. सो यस, दिस इज द थर्ड वन. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस वो भी लेस वाले ही शूज है और ये है ग्रे एंड पैरेट कलर के कॉम्बिनेशन में. एंड इसका भी ग्रिपिंग पावर काफी अच्छा है. एंड इसका लुक आप देखो. सो फ्रंट में आपको ये यहाँ पे मैश मिलेगा पूरा. एंड यस, ये फुल ऑन मैश के साथ है. हल्का सा ये जो डिटेलिंग आप देख रहे हो ना, ये थोड़ी सी हार्ड उस मटेरियल में है. पीछे भी ये थोड़ा सा हार्ड आपको मिलेगा. सो पीछे हार्ड मिलने का सबसे अच्छा पॉइंट वही होता है कि अगर आप कहीं भिड़ जाओ, लग जाए, तो आपको लगे ना. सॉफ्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए यहाँ पे. एंड लुक एट दिस, मतलब कुशनिंग आप देखो. सो बहुत अच्छे से ये प्रेस हो रहा है. जब आप चलोगे तो बहुत अच्छा इसको बाउंस आएगा. और अंदर जो इसकी क्वालिटी है ना वो भी सेम है. मतलब कुशनिंग जो सबके अंदर सोल था ना, वैसा ही सोल है. और इसकी भी कुशनिंग पावर काफ़ी अच्छी है. सो यस, लेसअप स्टाइल में है. और ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा लोगो नहीं दिया है ब्रांड ने. जस्ट नॉर्मल आपको यहाँ पे ये पुमा का लोगो मिलेगा फ्रंट साइड में. बाकी इसके अंदर कोई भी लोगो वोगो नहीं है सच. काफ़ी सिंपल सा शूज़ है. कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी प्रिटी लगा. इसके अंदर आई थिंक आपको कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लीजिएगा. बाकी आई थिंक इसकी प्राइस ना 1300-1400 रुपीज़ तक ही थी. सो 1300-1400 में यार पुमा के शूज़ आपको मिल रहे हैं. एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट है गाइज, मतलब 100-200 ग्राम भी वेट नहीं होगा इसके अंदर, इतना ज्यादा लाइट वेट है ये. यस, जब मैंने इनको सबको पहन के देखा था ना, बहुत ही कंफर्टेबल लगा था. और लिटरली लगा था कि यस, आप कुछ अच्छे ब्रांड का कोई अच्छा शूज पहन रहे हो. सो यस, तीनों शूज काफी अच्छे लगे मुझे. तीनों ही मैं रखने वाली हूँ. एक शायद मैं अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दूंगी और दो मैं अपने पास रखूंगी. सो ये तीनों शूज काफी अच्छे हैं मेरे अकॉर्डिंग. बट ये वाला जो शूज है ना, वो मेरे पैर में मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से फिट नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पैर आगे से नैरो है. अदरवाइज जिनका ब्रॉड होगा ना पैर, उनके लिए काफी सही होगा, काफी कंफर्टेबल होगा. सो ये आई थिंक रिटर्न कर दूंगी. बाकी तीनों बहुत सही है. सो यस गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स दे दिए हैं. इनमें अगर आप कलर कॉम्बिनेशन और भी देखना चाहो, आई थिंक इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन है, चारों में अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक कीजिएगा. नीचे आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे जो भी आपको बाय करना है. बट ब्रांड के अकॉर्डिंग जो इनकी प्राइजेस है, जो अमेजॉन डिस्काउंट दे रहा है, बहुत ही सही है. 55-60% एक पर्टिकुलर शूज पे आपको डिस्काउंट मिलेगा. सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो. आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.